बहुत ही सम्मान के हो बदाना गांव की इस पावन धरा पर मौजूद जननायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, गांव के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, जहां तक आवाज पहुंच रही है माताओं बहनों, पहले तो आप सबका धन्यवाद करूंगा कि मेरे ख्याल से 1-2 बजे का टाइम था रोटियों और 4:15 हो गए, पत्ती भूख मार रहे हो, पर फिर भी जो जोश आप लोगों के अंदर ये अपने आप में दिखाता है कि परिवर्तन की जो लहर हमने प्रदेश में आज से 10 महीने पहले शुरू करी थी, आज कहीं ना कहीं आप जैसे कर्मठ साथियों ने उस लहर को एक तूफान के तौर पर बना दिया और आज दिन प्रतिदिन सत्ता में बैठे लोगों के आगे तो आप चुनौती हो ही, पर विपक्ष वाले साथी भी कहीं ना कहीं ये मान चुके कि आज प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में जो सबसे आगे और सबसे मजबूती से कोई चल रहा है तो केवल मात्र जननायक जनता पार्टी आपका ही सरकार है। आज तो मैं केवल मात्र दो काम जो मैं आपके लगाने आया, पहला 22 तारीख को होने वाला जन सम्मान दिवस चौधरी देवीलाल जी का 106वां जन्म दिवस, आज उसका निमंत्रण आपके बीच में देने आए हैं और आपसे ये विनती और अपील करने आए कि जिस तरीके से जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश के किसान को, कमेरे को ताकत देकर एक जगह विधानसभा में देने का काम किया था, आज वो मौका दोबारा है। भारतीय जनता पार्टी को 5 साल सरकार में हो गया और 5 साल में एक भी उपलब्धि कोई किसान कमेरे की उन्नति की है सरकार ने गिना। आज तो बात करें तो देख लो, चावल खरीदने का काम होगा तो अंबानी करेगी, सब्जी बेचने का काम होगा तो अंबानी करेगा, मोबाइल की एक कंपनी आई इस देश में 5 साल में, वो भी किसकी, जियो अंबानी। और अब तो सुनने में आ रहा है जो छोटे छोटे अपने केबल वाले साथी हैं गांव में चले, इन्हें भी खत्म कर देगा थोड़े दिनों में अंबानी, ये सारे जियो के अंदर आ जाए। तो आप खुद सोचो कि किस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है जो देश में हर चीज में मोनोपोली शुरू कर दी। दूसरी ओर पर आज प्रदेश के आर्थिक हालात की बात होती है, मैं देख रहा था कि अशोक लीलैंड ने एक हफ्ते प्लांट बंद कर दिया, मारुति ने 2 दिन बंद कर दिया, हीरो होंडा ने हजारों कर्मचारी निकाल दिए। साथियों, दिन प्रतिदिन जो बेरोजगारी बढ़ रही उसका जो बोझ है वो इन रईसों पे नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं गांव के कमेरे आदमी पे जा रहा है। और उसका एक असर तो खट्टर साहब ने करके दिखा दिया कि नए चालान लागू करें और कितने कितने के काटे, ट्रैक्टर के कितने के, 71,000, 65,000, 55,000, 57,000। मुझे बताओ कौन सा किसान एक किले की दो समय की जो हमारी साल की फसल होती है दोनों टाइम की, वो बेच के भी शायद 70,000 घर नहीं ला पाता बचा एक किले की, मगर एक चलान में सरकार उससे छीन लेती। मोटरसाइकिल की कीमत 20,000, 22,000, चलान कट रहे 25,000, 32,000 कि गरीब आदमी उस मोटरसाइकिल का चलान भरे या एक नया मोटरसाइकिल खरीद के चलाए। बुजुर्ग युवा साथियों, आज समझने की चीज है कि खट्टर साहब आने वाली सरकार अगर बीजेपी की बनगी गलती से भी तो फिर मानसों के भी चलान कटे। आज तो मोटरसाइकिल पे तो लागू कर दिए, चप्पल पहन के मोटरसाइकिल चलाओगे तो चलान कटे, पैदल सड़क पे चलोगे जब भी चलान काटने लग जाए, ऐसी हालात भी ये सरकार बना सके। आप खुद देखो चीजों के दाम किस तरीके से बढ़े, जो लोग कहते थे 40 पे पेट्रोल ले आएंगे, डीजल ले आएंगे, आज कितने पे है डीजल, 67 पे, 73 पे पेट्रोल है, 77 है डीजल है। आप खुद देखो ये हालात तो पेट्रोल डीजल के है, डॉलर की क्या कीमत है, 74। आज सोना कड़े जा रही है 40 पार,
अर्थव्यवस्था की के हालात है, खुद सरकार में बैठे लोग मानने लग गए कि हमें धंधा समय देखना पड़ेगा। कोई कहे गाड़ियों की खरीद क्यों नहीं, कहते ओला उबर ज्यादा आ गए। कोई पूछन का काम करे गाड़ियों की खरीद इसलिए नहीं हो रही कि बैंक पैसे नहीं दे रहे लोगों को, और जिसको दे भी रहे उसकी जेब की हालत नहीं, वो पीछे भर देगा क्योंकि तुम्हारी सरकार ने नोटबंदी जीएसटी कितने कितने आर्थिक बोझ आम आदमी की जेब पर डाले। साथियों हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री एक यात्रा लेके गया और यात्रा का क्या नाम था, जन आशीर्वाद यात्रा। अपने तो नहीं आई हो, पल्ली पल्ली तरफ रहेगी। मैंने एक चीज बताओ, कोई सा तो गांव का गया होगा, उसमें खट्टर आशीर्वाद दे के गया, लेके गया, कुछ बेरा ला गया, ये हालात थी उस यात्रा के अंदर। कोई चांदी का भाला दे दे, कोई चांदी का रथ दे दे तो गच देगी अंदर। और एक बेचारा भारत भरवाले का पंडित जी था, उसने कोई मुकुट लगा दिया तो सड़फा लेके कह दिया तेरी गर्दन काट। और कोई पूछे भी आशीर्वाद किस चीज का तो जवाब नहीं है। मैं बताता हूँ आशीर्वाद क्यों मांग रहा है। आशीर्वाद मांग रहा है, इस प्रदेश में 4 बार आग लगाई, 80 लोगों की जान ली, हर रोज इस प्रदेश में 1 मर्डर 3 रेप 4 डकैती होती है। आशीर्वाद मांग रहा है 5,000 करोड़ रुपए जो इनने खदानों से लूटे उसका, 1,000 करोड़ रुपए जो किलोमीटर स्कीम से लूटे उसका। आशीर्वाद मांग रहा है ये बिजली के मीटर और बाहर लगा दे कि 100 करोड़ तो घोटाला बोलिया, उससे ज्यादा करोड़ रुपए इसके अंदर खा दे। ये आशीर्वाद मांग रहा है SC ST बच्चों की छात्रवृत्ति जो आती थी हमारे, उसके अंदर भी 25 करोड़ रुपए 4 जिलों में खा ले। तो साथियों आज पूरे प्रदेश के अंदर लूट मचा रखी है, मगर ऊपर से कहते हैं शुद्धा है। एक कहावत है अपने शुद्ध छिपकली माचर गणे कहावत है नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, कहते ईमानदारी से नौकरी देता है, 2.5-2.5 लाख में नायब तहसीलदार का पेपर बिका। आज लोग अरेस्ट होके जज्जर जेल में बैठे, पेपर का रिजल्ट भी आउट कर दिया लीक होने के बावजूद, है नहीं शुद्ध छिपकली तो बताओ। 1 करोड़ में जुडिशरी का पेपर अम्बाला में बिकता हुआ पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी चल रही, तो भी शुद्धि। आज ग्रुप डी के अंदर ईमानदारी के ढोल पीट दिए। ईमानदारी किस चीज की, नौकरियों में ईमानदारी। सबसे बड़ा बेईमाना ग्रुप डी था। ये पढ़े लिखे साथी मेरे युवा साथी मोबाइल काटे खड़े, इनने 2-2 डिग्रियां भी कर रखी है, BA, MA, MSc, MTech, MCA। हमारे सिरसा में अब जाके अड्डावाली के दौरे में जब पता चला, कवरपुरा का एक छोरा है, उसने PhD करी हुई है और ग्रुप डी में के भर्ती हुआ वेटनरी अस्पताल में चपड़ासी। PhD करने के बाद उसको पानी पिलाना पड़ रहा है। सोचो ये हालत बनाने का काम इस खट्टर सरकार ने किया, क्या ये ईमानदारी? सबसे बड़ा बेईमानना। कहते थे बंपर नौकरी निकालेंगे, आज लोकसभा के बाद 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, कोई एक भर्ती का रिजल्ट सुना? केवल मात्र बच्चों के भर्ती को कैंसिल कर देंगे। 700 ऐसी भर्तियां इस प्रदेश में कैंसिल हुई। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस प्रदेश को बचाने का समय आ चुका, और प्रदेश को बचाने के लिए हम सबको एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और एक नारा लेके आगे बढ़ना पड़ेगा कि किसान के मेरे आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़, चंडीगढ़ को फतेह करने का हमें काम करना घोषणा है, और तब तो रैली में चलेगी। आज तो मुख्य उद्देश्य यही था कि गांव बदाना की जिम्मेवारी लगाए कि ऐतिहासिक संख्या, और मैं तो कहूंगा सारे हमारे सीनियर साथी भी बैठे हैं गांव के और ये युवा फौज भी खड़ी है, ये जिम्मेवारी है। अगर पिछली बार अपने यहां से 4 साधन गए थे तो गांव की ड्यूटी है इस बार 4 के 8 करके दिखाओ कि वहां रोहतक की धरती के ऊपर जब पहुंचे तो पंडाल के एक हिस्से में मैं उचाणा लिख दूंगा, पता चल जाए आधा हरियाणा का पंडाल था आधा उचाणा के। सारे पक्की बात ढीले ढीले बोलो। बस यही अपील करना है, बहुत बहुत धन्यवाद।